आने वाले चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी कमान संभालना शुरू कर दिया है। वहीं सेवा दल भी अब मैदान संभालता हुआ नजर आएगा। इसी के तहत गुरुवार को सेवा दल सदस्य मुकेश ठाकुर ने इंदौर जिला ग्रामीण अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया। इस दौरान ठाकुर ने बताया कि सेवा दल पूरी मजबूती के साथ आम जनता तक पहुंचेगा, प्रत्येक बूथ पर एक सदस्य संगठन को मजबूत करने के लिए रहेगा। अरुण मैडम, आज जो बैठक रखी आपका नया पदभार ग्रहण, क्या तैयारी रहेगी आगामी कांग्रेस की? आज मुझे इंदौर जिला ग्रामीण का सेवा दल का मैं अध्यक्ष बनाने का पहली बार कार्यभार ग्रहण कर रहा हूँ। हमारे देश के मुखिया योगेश यादव जी और इंदौर जिले के हमारे अध्यक्ष सदाशिव यादव जी और जिले के हमारे युवा नेता विशाल पटेल जी हैं, हेमंत पाल जी हैं, इंदौर के हमारे मुख्य संगठक सर सलूजा जी और मेरे जो साथी एक दिन भैया, उन लोगों ने बीच आज पदभार ग्रहण करा। क्योंकि सेवा दल संगठन को एक मजबूती के साथ जिले में देखा जा रहा है और ऊपर से जो हमें आदेश हमारे प्रदेश के मुखिया योगेश यादव जी का, प्रत्येक बूथ पे एक एक सेवा दल का एक एक व्यक्ति आपको नजर आएगा जिले। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय पर गुजरात से आए पर्यवेक्षकों ने पदाधिकारियों की बैठक भी ली, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए आने वाले नए प्रत्याशी और पुराने पदाधिकारियों को साथ मिलकर किस तरह से बूथ लेवल पर कार्य करना है, इसकी चर्चा की गई। और कितने दिनों तक आप यहाँ रहेंगे? जैसे अभी 6-7 महीने चुनाव को समय, एक है 9 और सावर ग्रामीण बेल्ट आपके पास, तो ग्रामीण में किस तरीके की योजना बनाई आपने संपर्क? ग्रामीण में देखो बहुत सारे प्रश्न है, किसानों का है, किसानों के खाद्य के मूल्य का प्रश्न है, फिर ये रोजगारी का रोजगारी का भी जो प्रश्न है, अनएम्प्लॉयमेंट का, बिजली का है, फिर ये अपने जो पिछड़े वर्गों के लिए जैसे कि दलितों के अत्याचार का मुद्दा है, पीड़ितों के अत्याचार का मुद्दा है, सब बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जब यहाँ आए अपने, तो उन्होंने भी सब बात बताई थी। बैठक में पर्यवेक्षकों ने ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की बात कही।